जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के दौरान इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व की ये 8 सिद्धियां होती हैं। महावैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज यहाँ पे हमारी सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के करैक्टर यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और बच्चों में भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ बन के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये सीधे सीधे एक समाज को संदेश दे रहे हैं। जैसे कि आप मोबाइल यंत्र को ही ले लीजिए, जितने इसके उपयोग हैं उतने ही इसके दुरुपयोग भी होते हैं।
बच्चों के द्वारा यहाँ पे काफी अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन को ऐसे ही जीते रहें। ओके, बाय।